छठ पूजा होती क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है? समय में राजा दक्ष था, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, वो नदी किनारे गया सुबह के टाइम, उन्होंने जैसे जल लिया वो मांगा परमात्मा से, तो राजा दक्ष को पुत्र का प्राप्ति हुआ। पानी में खड़े होकर क्या करते हैं और कितना समय ऐसे ही पानी में खड़े रहते हैं? ये 48 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बिना अन्न पानी का कोई 48 घंटे निर्जला व्रत होता है, वो शाम को एक घंटा पानी में खड़ा होते हैं। राजा दक्ष में उनके कोई संतान नहीं था, ये बहुत बुजुर्ग जमान पीछे से आ रहे हैं, उनको कोई संतान नहीं था, उस संतान के लिए उसने अपने सूर्य देव से अचानक बोला कि हे सूर्य देव, हमको अगर कोई संतान हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, तो आपको जो है हम धूमधाम से नदी के किनारे आके आपको श्रद्धा पूर्वक से व्रत करेंगे। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, ते मैं हाँ दीपक चानना। दिवाली तो कुछ दिन बाद छठ पूजा का त्यौहार, जो कि पूरे देश दे विच बड़े श्रद्धा ते उत्साह दे नाल मनाया जाता है, तो असी अज माछीवाड़ा साहब के नेड़े सरहंद नहर के कंडे ते मौजूद हाँ। तस्वीरां तुहानू दिखा दिंदे हां कि किस तरह लोगों का ठाठा मारदा इकट्ठ है, जिहड़ा सरहंद नहर के कंडे के उत्ते तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो कि लोग किन्ने उत्साह ते श्रद्धा दे नाल छठ पूजा का जिहड़ा त्यौहार है ये मनाउंदे ने। तां साडे नाल कुछ इत्थों दे जिहड़े मैंबर ने ओह मौजूद ने, असीं तुहानूं जाणू करवावांगे कि छठ पूजा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, की महत्व है इस त्यौहार का। गलबात करन दे लई साडे नाल बाई होणी मौजूद ने, गलबात कर लैंदे आ। बाई जी, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि छठ पूजा होती क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है इसका? ये छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक समय में राजा दक्ष था, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, वो नदी किनारे गया सुबह के टाइम, उन्होंने जैसे जल लिया वो मांगा परमात्मा से, तो राजा दक्ष को पुत्र का प्राप्ति हुआ। इसीलिए एक दिन पहले कद्दू भात खाते हैं, उसके बाद खरना होता है, और दूसरे तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ देते हैं हम लोग। ये बहुत ही हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता। हरेक फल फ्रूट बाजार से कीन के वो नमे बनाया जाता है सच्चा बर्तन में, तब उसको हम लोग लेके आते हैं, तब माथा टेकते हैं सुबह और शाम दोनों में पर्व में। और हमारे लक्ष्मी प्रधान के तरफ से हर साल इसी तरह मनाया जाता है हर्षोल्लास से, इनके सहयोग से हम समारी बर्तन कमेटी समराला की तरफ से सेवा सहयोग करते हैं यहाँ, और छठ पूजा के त्यौहार बहुत ही श्रद्धा पूर्वक धूमधाम से मनाते हैं। कितने दिन पहले आपकी तैयारियां जो इस त्यौहार की शुरू हो जाती है? ये 6 रोज पहले जी, दीपावली के बाद 6 रोज के बाद ये तैयारी होना शुरू हो जाते जी। और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं जी, अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से दुनिया आती है इस नहर पे? ये बहुत दुनिया आती है जी, मछुआरा हो गया, समराला हो गया, गरीबपुल हो गया, शांति ने बहुत है, हर जगह से बिहार यूपी के लोग हम जो नहीं जा पाते हैं गाड़ी में ट्रेन में भीड़ के चलते, वो हम लोग यही मनाते हैं छठ पूजा। और ये पानी में खड़े होकर क्या करते हैं और कितना समय ऐसे ही पानी में खड़े रहती हैं औरतें आपकी? ये जी शाम के टाइम में आधा घंटा, ये 48 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बिना अन्न पानी का कोई 48 घंटे निर्जला व्रत होता है, वो शाम को एक घंटा पानी में खड़ा होते हैं और सुबह को भी एक घंटा पानी में, वो सूरज के अर्घ देते हैं। जब सूरज डूब जाते हैं शाम को, तब हम लोग घर चले जाते हैं, फिर सुबह सूरज उगते हुए सूरज को हमने अर्घ देते हैं जी। साडे नाल कुछ औरतां भी मौजूद ने जिहड़ियां व्रत रखदियां ने, गलबात कर लैंदे आ। क्या नाम है? रेखा तिवारी। जो व्रत रखा जाता है आपसे छठ पूजा का, ये क्या होता है, कितने दिन रखा जाता है और क्या क्या खाते हो इसमें, कैसे कैसे? ये हम 3 दिन के व्रत रखते हैं, इसमें एक दिन खाया जाता है, दूसरे दिन ऐसे रहते हैं, तीसरे दिन भी बिल्कुल भी ऐसे निर्जला, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। ये व्रत रखा क्यों जाता है, किस वजह से रखते हैं? ये हम बच्चों के लिए रखते हैं। हाँ जी, ये हमारे बिहार का मतलब सबसे मशहूर पर्व है महाछठ। और अगर देखे तो इसकी तैयारियां जो आप कब से शुरू कर देते हो ये व्रत रखने की, जो भी अपना आपका त्यौहार है छठ पूजा का? महीना 2 महीने से जोर शोर से तैयारी। हाँ जी। और क्या क्या चीज इसमें खरीदी जाती है और पूजा के लिए कौन कौन सी चीज लाई जाती है यहाँ आप जहाँ मथा टेकते हैं? इसमें हर एक चीज होती है, जो कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं है। हाँ जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी प्रधान। छठ पूजा क्या होती है, क्या महत्व है इस छठ पूजा का? सर, ये छठ पूजा इतना महत्व है, किसी टाइम में राजा दक्ष ने उनके कोई संतान नहीं था, ये बहुत बुजुर्ग जमान पीछे से आ रहे हैं, उनको कोई संतान नहीं था, उस संतान के लिए उसने अपने सूर्य देव से अचानक बोला कि हे सूर्य देव, हमको अगर कोई संतान हो जाएगा, पुत्र पुत्री हो जाएगा, तो आपको जो है हम धूमधाम से
नदी के किनारे आके आपको श्रद्धा पूर्वक से व्रत करेंगे। व्रत करके उसके बाद हम आपको पूजा करेंगे, अर्घ देंगे, सुबह के टाइम भी देंगे, शाम के टाइम भी। इसी उसी टाइम से चली आ रहा है, तो हमारे जो बुजुर्ग थे पहले से ही चले आ रहे हैं, तो उनका बाद हम लोग का टाइम आ गया, तो हम लोग उसी तरह से हर एक साल सारे हम लोग मेंबर इकट्ठे होते हैं। जिसको जो श्रद्धा होता है, जितना जिसको क्षमता होता है उतना उसने पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद हम लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके क्या क्या प्रोग्राम करना है, कहाँ कहाँ से लोग आना है, सारा व्यवस्था करके फिर हम लोग जितने यहाँ पे उपासक जन है हम लोग शाम को टाइम व्यवस्था सारा कर रहे हैं। उसके बाद लंगर पानी का भी व्यवस्था करते हैं, रात में जो जागरण भी करते हैं, जो कहीं दूर दूर से आते हैं बंदे उसको जा नहीं पाते वो रात में यहीं पे रहते हैं। उसके बाद लंगर भी करेंगे, सवेरे के टाइम सूर्य देव को अर्घ दे करके उसके बाद अपने अपने घर को जाएंगे, फिर हम लोग विसर्जन जो मूर्ति रखे हैं उसको विसर्जन करेंगे। इसीलिए हम लोग को श्रद्धा बहुत है इसमें। सुबह जो अर्घ दिया जाता है वो कितने बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह आपका? सुबह 4 बजे सवेरे से पानी में आके खड़ जाते हैं, वो खड़ने के बाद कम 2 घंटा वहाँ पे खड़े रहते हैं, जैसे सूर्य महाराज लाली देने लग गए। उसके बाद अर्घ दे के जो भी हम लोग मिठाई कुछ भी बनाने के लिए लेके आते हैं वो सारे सूर्य देव को अर्पित करके फिर मथा टेके फिर हम लोग जाते हैं। मतलब 2 घंटे पानी के बीच में ही खड़ी रहती हैं आपके घर की औरतें? हाँ जी, 2 घंटे पानी में खड़े रहेंगे, 2 घंटे पानी में। जो छठ पूजा का व्रत रखते हो इसमें क्या क्या खाना होता है और कितने घंटे आप ऐसे ही पानी में खड़े रहते हैं? हम यहाँ पर 2 घंटा तक खड़ा रहते हैं। और खाना पीना क्या होता है इस व्रत में, आप कितनी कुछ खाते भी है? जैसे हम खरना करते हैं उसी दिन थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लेते हैं, बाकी 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हम, बिल्कुल निर्जल व्रत। और पानी वगैरह पी लेते हो इस व्रत में? बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो सामान पूजा के लिए आप लाते हो वो कौन कौन सी चीज इसमें व्रत में आप लेते हैं? ऐसे व्रत के तो बहुत सारा ऐसा सामान होता है, बहुत ऐसे चीज होता है कि मतलब अनटच चीज लगना चाहिए इसमें। और उसके बाद हम लोग घर पे भी बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, खस्ता बनाते हैं, ठेकुआ पूरी बनाते हैं, ये सारे चीज हम अपने हाथ से बनाते हैं। तो बिल्कुल जी, असी गलबात की थे सरहंद नहर के कंडे दे उत्ते असी मौजूद सीगे, जिथे छठ पूजा का त्योहार है जड़ा बड़ी श्रद्धा से उत्साह से धूमधाम मनाया जा रहा है, जिस दे विच औरतां दे वल्लों वर्त रखिया जांदा है अपने बच्चियां दी लंबी उम्र दे लई, ते 36 घंटे दे लई ना तो उन्हां वल्लों कुछ खादा पीता जांदा है, ना इत्थों तक कि पानी भी नहीं पीता जांदा, ते उस तों बाद जिहड़ी पूजा अर्चना कीती जांदी है सूरज नूं मत्था टेकिया जांदा है एक दिन शाम नूं, ते अगले दिन सवेरे फिर सूरज नूं अर्घ दे के जिहड़ा वर्त है उह खोलिया जांदा है। तां वधेरे अपडेट्स दे लई देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी, कैमरामैन सौरभ दे नाल दीपक चन्ना। निडर हां, निरपक्ष रहा, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।